हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम बनाएंगे 3 kg का केक। तो ये वनीला स्पॉन्जेस हैं, 300 300 300 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से बने हुए। 8 इंच का मोल्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चलती रहे और आप लोग भी सीखते रहें। फ्रोजन थीम केक है, मिक्स फ्रूट फ्लेवर के साथ। तो ये है विप क्रीम, वनीला विप क्रीम के साथ स्ट्रॉबेरी क्रश, सम फ्रूट कॉकटेल्स। और इस लेयर में हम डालेंगे क्रीम के साथ पाइनएप्पल क्रश और फ्रूट कॉकटेल डालेंगे थोड़े से। और जो बोर्ड मैं यूँ यूज़ कर रहा हूँ 12 इंच का है अभी तक, तो बाद में मैंने इसको चेंज कर दिया था, 14 इंच का केक बेस यूज़ किया था क्योंकि मेरे को लगा टॉयज़ वगैरह आ नहीं पाएंगे। ये है मैंगो क्रश और फ्रूट कॉकटेल। तो ऐसे ही रिपीट करना है लेयर्स को और इसको कर देंगे फाइनल कोट, क्रम कोट करेंगे नॉन डेरी विप क्रीम। आपने विप क्रीम डेरी देखी कितनी स्टिफ है, मतलब कितनी अच्छी तरीके से बीट की हुई है। तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं फिर भी बता देता हूँ, मैंने भी ऑब्जर्व कर लिया है कि अगर आपके बीटर में दम नहीं है तो आपकी क्रीम अच्छे से स्टिफ नहीं हो पाएगी, और अगर आपकी क्रीम में फिर भी मतलब स्टिफनेस नहीं आ रही है, पीक नहीं आ रही है, तो आप एक दो बार कुछ दूसरे ब्रांड प्रिफर करके देखो, क्या पता आपको आपकी मर्जी जैसा रिजल्ट आ जाए। तो मैंने भी चेंज करके देखा है, मैंने भी 2 साल में ऑब्जर्व किया है कि कौन सी क्रीम में, किसी के क्रीम में तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, थोड़ा सा टेस्ट कम है, लेकिन किसी क्रीम में टेस्ट ज़्यादा है, स्ट्रेंथ कम है। तो जो स्ट्रेंथ जिसमें ज़्यादा हो क्रीम में, हालांकि कोई सी कंपनी की भी हो सकती है, आपको बड़े केकों के लिए वो यूज़ कर लेनी चाहिए। बाकी आप देखना, ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा जब आप करोगे। और एक क्वेश्चन आता है, वन मोर कमेंट, कि जो क्रीम होती है उसमें हम ज़्यादा कलर डालते हैं तो बिटर हो जाती है। देखो, हमने तो बहुत सारा कभी कलर यूज़ भी नहीं किया, या तो स्प्रे किया है या फिर उसको पाइपिंग बैग से लगाया है। स्टिफनेस देखो आप क्रीम की, ऐसी होनी चाहिए आपकी फिटी हुई क्रीम। अगर ऐसी नहीं है तो टॉल केक जो होते हैं ना, उसके हो जाता है गड़बड़ घोटाला। और मैं काम कंफर्टेबली इसलिए भी कर पा रहा हूँ, मैंने एसी चला रखा है। अब ये मेरा पतीला बाहर भी पड़ा रहेगा ना, तो मेरी क्रीम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। हालांकि नहीं है एसी तो फिर आपको बार बार अंदर बाहर करना पड़ेगा। टर्किश ग्रीन कलर और रॉयल ब्लू कलर मिक्स करके ये कलर मैंने बनाया है। अब मेरे को इस कलर का नाम नहीं पता, ये जुगाड़ू कलर है कोई भी, तो आप बना लेना, फोटो देखता हूँ मैं। तो मेरे को कलर की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। कोई बेबी पिंक बोलता है आजकल, पहले एक ही पिंक था, बेबी पिंक, रोज पिंक, रेसबेरी पिंक, लाइट पिंक, डार्क पिंक, दुनिया भर के कलर बता दिए। तो अगर आपको डार्क कलर करना है इसी में, जैसे रेड करना है, ब्लैक करना है, या तो आप स्प्रे से कर सकते हो जो मैंने वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाली है, या एयर गन आती है, एयर ब्रश आते हैं, उसके अलग कलर आते हैं, उससे पेंट कर सकते हो आप अपने केक को। नहीं तो फिर ऐसे कर सकते हो, थोड़ी क्रीम लो, अंदर से हमने बिल्कुल फिनिश कर दिया था, ऊपर से ये पतली सी लेयर लगा दी है, आप चाहो तो और पतला लगा सकते थे अगर आपका कलर बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर करना है तो। और जेल कलर के साथ साथ पाउडर कलर्स भी आते हैं व्हिपिंग क्रीम के लिए, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, उससे बिटरनेस नहीं आती है इतनी। जेल कलर्स में भी आ जाती है कई बार, क्योंकि अगर ये ब्लैक होता या रेड होता तो मैं जेल कलर यूज़ नहीं करता, मैं फिर पाउडर कलर ही यूज़ करता। और ये देखो, आपने एक दो ड्रॉप में इतना कलर आ जाता है। पर्पल कलर सबसे बढ़िया लगता है मुझे तो, 2 ड्रॉप डालो पूरा पर्पल हो जाता है, बट ब्लैक और रेड सबसे ज़्यादा सर दर्द करते हैं। या आपको ब्लू बनाना एकदम डार्क, पर्पल सबसे बेस्ट है, सो इजीली बनता है। बहुत सुंदर केक है, अगर आप देखोगे ना एंड तक तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और सब चीज़ें मैंने हर चीज़ आपको बता दी है कि कितना मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्या क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, चैनल पे अब तो 250 से क्या 275 अवर वीडियोज़ हैं, आप देखो तो सही एक बार, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं 1/2 kg केक के लिए 150 ग्राम प्रीमिक्स यूज़ करता हूँ, 1 kg केक के लिए 300 ग्राम प्रीमिक्स पाउडर से स्पॉन्ज बनाता हूँ। तो अब आप खुद ही कैलकुलेट कर लिया करो कि कितने से कितना बनेगा। अगर आपको 5 kg केक भी बनाना है, ठीक है, 5 kg केक बनाना है, 300 ग्राम के
पर केजी के हिसाब से 1500 ग्राम हो जाता है प्रीमिक्स। अब आप उसी को डिवाइड कर लो तीन मोल्ड में थ्री टायर के लिए। तो ये है वाइट चॉकलेट, वाइट कंपाउंड चॉकलेट से ड्रिपिंग कर रहे हैं स्नो इफेक्ट के लिए, मतलब फ्रोजन थीम है। और रेट के लिए मैं यहाँ बता देता हूँ, ये आप लोग केक दे सकते हो 3000 से 3500 का। अब आप बोलोगे इतना महंगा क्यों, देखिए ये है कैसल, ये प्रिंट आउट किया हमने ग्लिटर शीट पे, इसको कट किया और इसका टॉपर बना लिया। क्यों, जो इसमें आगे टॉयज लगने वाले हैं वो ऑलरेडी 400-500 रुपए के आते हैं, इसलिए ये महंगा जा रहा है। देखो अब ये है फोंडेंट की बॉल्स जो मैंने पहले ही बना के रखी थी, और कॉर्नर में आपको ऊपर दिख रहा होगा एक स्नोमैन जो हमारे सेट में था लेकिन हमने किसी को दे दिया था, कोई मांग रहा था, तो मैंने ये खुद बना के पहले ही रखा हुआ है। अब इसकी मैं ट्यूटोरियल दिखाता तो बहुत लंबा हो जाता। ये सारी फोंडेंट बॉल्स हैं, पहले ही एक दो घंटे पहले बना के आराम से एसी रूम में पड़े हुए थे, मस्त फैन चल रहा था, तो ये सूख भी चुके हैं बहुत हद तक, 50% तक। ठीक है, बरसातों में प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, बाकी कभी प्रॉब्लम इतनी नहीं होती फोंडेंट से। एक वाइट कलर के साथ ये होती है कि हमेशा मेरा वाइट कलर गंदा हो जाता है, हालांकि आप लोगों को इतना दिखता नहीं होगा, मैं कोशिश भी करता हूँ ताकि डर्टी ना हो। इस बार मैं सिलिकॉन मैट लेके ज़रूर आऊँगा ताकि हमारा फोंडेंट चकाचक रहे। तो ये रहे हमारे स्नोफ्लेक्स, ये भी मैंने ग्लिटर शीट पे काट रखे हैं, ये स्टेशनरी पे मिल जाती है आप लोगों को। ये होते हैं टॉयज, पर टॉयज ये लगा लो सेट था ये 6 टॉयज का, शायद 400-500 रुपये का, 2019 में मैंने लिया था, अक्टूबर में, तो ऑलमोस्ट अभी लगा लो 1.5 साल बाद ऑर्डर आया है। लेकिन ले लिया था, हमें पता था कि कभी तो आएगा ऑर्डर, ये ख़राब तो होते नहीं है। और हमारा जो रेनडियर था वो भी खो गया है, तो ये लगा दिया है हमने, इसकी जगह दूसरा डेयर लगा दिया है हमने, क्योंकि अब वो था नहीं, वो खो गया था, पता नहीं मिला नहीं, तो हमने ये लगा दिए जो एनिमल टॉपर्स आते हैं ना स्टेशनरी में मिलते बच्चों के। तो ये स्नोफ्लेक्स हैं फोंडेंट के, सब कट करके लगा दिए हैं। ये ऊपर के टॉपर आपने देख लिए हैं, स्नोमैन खो गया था तो मैंने मतलब बेच दिया था हमने किसी को, तो स्नोमैन मैंने खुद बना लिया। अभी तक मैं भी भूल चुका हूँ ये वीडियो बनाते बनाते कि मुझे ये लगाना भी है। मैं सोच रहा हूँ ये फाइनल फिनिश हो चुका है और आपको देख लो अभी भी ये दिखा रहा हूँ, बट बाद में मेरे को याद आएगा तब मैं लगाऊंगा। अब आके आने वाली वीडियो में, मतलब लास्ट में, अभी दोबारा से आने वाला है हमारा स्नोमैन भी, अब ये आ चुका है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। 3 kg का मिक्स फ्रूट कॉकटेल के साथ ये केक था और फ्रोजन थीम थी। पैकिंग 14x14x14 का ये बॉक्स है, इसमें हम पैक कर रहे हैं और अब अपना केक डिलीवर करेंगे कार में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू।